गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। और मैं हूँ पूजा। आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइम से आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम वर्क। कल ही मैंने बहुत टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड किया है, बट नाउ आई ट्राई टू बी रेगुलर। चलिए आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो आई लाइनर्स की बात करने वाले हैं, जो कि हैं स्टे क्विकी के आई लाइनर्स, दीज टू। बट बिफोर वी स्टार्टेड, आपको क्या करना है, जो सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जो लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए। साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकॉन है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों आई लाइनर्स की। इसमें एक है स्टे क्विकी बैड एस आई लाइनर और दूसरा है स्टे क्विकी आई लव यू टू आई लाइनर। सो दीज आर टू आई लाइनर्स, इनका कंपेरिजन करेंगे, ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है या नहीं, ये सारा कंपेरिजन हम इसमें करेंगे एंड ऑल्सो इट्स प्राइस। सो गाइज, ये वाला जो आई लाइनर है ये है स्टे क्विकी बैड एस आई लाइनर और इसका जो MRP है दैट इज़ 125 rupees। और ये जो है ये है स्टे क्विकी का ही आई लव यू टू आई लाइनर और जो इसका MRP है दैट इज़ 199 rupees। सो गाइज, ये तो थी इनके MRP की बात, लेकिन ये और आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो आई लाइनर्स हैं ये अवेलेबल हैं purple.com पर, इससे ये किसी और वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। ये तो MRP है 125 एंड 199 rupees, लेकिन आपको ये इससे कम प्राइस में मिल जाएंगे क्योंकि purple.com पर मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट चलता रहता है। तो आप चेक करते रहिएगा, जब भी आपको कम प्राइस में मिले यू कैन परचेज इट। अब इनके एक्सपायरी डेट की बात करते हैं। एक्सपायरी दोनों की है 2 years फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि जिस दिन से ये जो इन पे डेट दी है मैन्युफैक्चरिंग, उसके 2 साल तक ये खराब नहीं होंगे, यू कैन यूज़ इट। लेकिन आई लाइनर तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं इफ़ यू यूज़ इट, इफ यू अप्लाई काजल रेगुलरली ऑन एवरीडे बेसिस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब इनकी बात करते हैं, इनका स्वॉच करके मैं आपको दिखाती हूँ और चेक करेंगे इनकी कितना ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्वॉच कर रही हूँ स्टे क्विकी बैड एस आई लाइनर। इसकी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ है और ये कम्प्लीटली जेट ब्लैक कलर में है और बहुत ही मैट है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। इसको हम थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए ड्राई होने देते हैं, फिर चेक करते हैं। इसके एग्जैक्ट नीचे मैं स्वॉच कर रही हूँ आई लव यू टू आई लाइनर। आई वुड से दोनों की ही फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, देखने में तो दोनों एप्लीकेशन सेम ही लग रही है, तो इनको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि ये स्मज होते हैं या नहीं होते हैं। सो गाइस, अब ये आई लाइनर्स ड्राई हो चुके हैं, तो अब इनकी स्मज प्रूफ टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को मैं करती हूँ। सी, एज यू कैन सी, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टाइट भी स्मज कर रही हूँ तो भी ये स्मज नहीं हो रहा है। चलिए अब नीचे वाला, ये ऊपर जो मैंने अप्लाई किया था ये था बैड एस आई लाइनर और इसको मैंने खूब सारा रब करके देख लिया है, तो ज़रा भी स्मज नहीं हो रहा है। और ये इसका MRP एज आई टोल्ड यू इट्स ओनली फॉर 125 rupees, जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे इससे कम में ही मिल जाएगा। अब नीचे आई लव यू टू करके देखते हैं स्मज। सी, ये थोड़ा सा हुआ है, एज यू कैन सी ऑन माई थंब, थोड़ा सा इस पर ट्रांसफ़र हो गया है स्मच करने से, लेकिन जो ऊपर वाला है बैड एस आई लाइनर वो ज़रा भी स्मच नहीं हुआ है और उसका जो प्राइस है वो नीचे वाले आई लाइनर से काफ़ी कम है, 125 एंड 199 rupees, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो अभी इनकी वाटर प्रूफ टेस्टिंग करते हैं। वाटर प्रूफ टेस्टिंग के लिए मैं लेके आई हूँ, इस बॉल में पानी है और इसमें मैं अपना हाथ डिप करके दिखाती हूँ आपको। सी, पानी में डिप करने से तो दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा भी वॉश आउट नहीं हुए हैं। सो आई कैन से दोनों वाटर प्रूफ हैं, पानी में थोड़ा बहुत गीला होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आई लाइनर। सो गाइज, ये तो था ये दोनों आई लाइनर्स का कंपैरिजन। जो मैं मुझे दोनों में से ज्यादा बेटर लगा दैट इज स्टे क्विकी बैड एस आई लाइनर इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ स्मज प्रूफ टेस्टिंग, सारी चीज में। अगर मैं ओवरऑल इसको तो दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, ये भी अच्छा है, बट अगर दोनों में कंपेयर किया जाए प्राइस को देखते हो, बाकी सारी चीज़ों को देखते हो, दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको स्मज करके दिखाया ये बिल्कुल भी स्मज नहीं है, ये थोड़ा सा स्मज तो नहीं हुआ, बट वो जो जिस फिंगर से मैंने स्मज किया था उस पर थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया था। तो ओवरऑल
दोनों आप ट्राई कर सकते हैं, बट दिस वन इज बेटर फॉर मी अकॉर्डिंग टू. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, फटाफट से कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए करें. आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करे चूज करने में कौन सा आई लाइनर है, और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली आई लाइनर है. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर.